खड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही जारी है। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक प्रताप राव भोसले ने दी। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी मोहम्मद मजीद उम्र 37 वर्ष और सोहेल शेख आरिफ उम्र 24 वर्ष, ये दोनों दोपहिया गाड़ी पर सवार होकर यासिम प्लॉट बड़ा ताजबाग की ओर से घर जा रहे थे, जिस दौरान एक ट्रक चालक आरोपी कुणाल डांगरी उम्र 26 साल ये लापरवाह तरीके से ट्रक चलाते हुए आया और फरियादी की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें फरियादी और सोहेल गंभीर जख्मी हुए। सोहेल को जब उपचार कराने के लिए लेके गए तो अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया, जिसके बाद फरियादी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। इस बारे में पुलिस निरीक्षक प्रताप राव भोसले ने अधिक जानकारी साझा की। कल हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन में कल रात को 11:30 बजे ट्रक नंबर है MH40AK4181 अशोक लेलैंड गाड़ी है, वो लोहे का कॉइल भर के रिंग रोड से जा रही थी। उसी दौरान उसके साथ में पैरेलल में एक दुचाकी व्यवस्था गाड़ी MH41DD0488 ये गाड़ी पे दो गाड़ी चला रहे थे, उसमें से सोहेल शेख अरिफ वह 24 राणा ताजबाग और उसका दोस्त मोहम्मद फिरोज मोहम्मद माजिद, ये दो उस गाड़ी पे थे। पैरेलल में गाड़ी चल रही थी, ट्रक के साइड पे जाके गाड़ी का ट्रक ने वो गाड़ी को उड़ाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। उसमें सोहेल शेख अरिफ वह 24 ये एक्सपायर हो गया है और उसका जोड़ीदार मोहम्मद फिरोज मोहम्मद माजिद वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ट्रक पुलिस स्टेशन के ताबे में, आप किसको अरेस्ट किया, किसका नाम है कुणाल गजानन डांगे उम्र 26 साल रहना माजगी तालुका बाबुड़गांव जिला यवतमाल। ट्रक पुलिस स्टेशन के पास आगे की कार्रवाई के लिए खड़ा किया है, आगे की तफ्तीश चालू है। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की तफ्तीश जारी है और पुलिस द्वारा ट्रक को जब्त कर लिया गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।